शुद्ध के लिए युद्ध। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में टीम ने रिफाइंड से नकली दूध बनाने वाले कारखाने पर की कार्रवाई। मौके से आरोपी हुआ फरार। शिकायतकर्ता को 5100 रुपए देने का प्रोत्साहन। मिलावटी दूध बनाने वाले कारखाने को चलाने में सरस डेयरी सेक्रेटरी राहुल खान की आड़ में चल रहा था कारखाना। जी हाँ, आम जन के दैनिक उपयोगी खाद्य सामग्रियों में हो रही निरंतर मिलावट को लेकर कहीं न कहीं संबंधित विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से पनप रहे हैं। अगर हर विभागीय अधिकारी अपनी ड्यूटी, कर्तव्य व ईमानदारी से निभाए तो आम जीवन से जुड़ी खाद्य सामग्री लोगों को शुद्ध मिल सकती है। लेकिन विभागीय अधिकारियों के बढ़ते भ्रष्टाचार से अधिकारियों के संरक्षण के चलते आम जन लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो साल में दीपावली जैसे त्योहारों के नज़दीक अपनी कार्रवाई दिखाकर वाहवाही लूट लेते हैं। सरस डेयरी के नवनियुक्त चेयरमैन विश्राम को लगातार मिल रही नकली दूध बनाने वाले कारखाने की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई को करते हुए अंजाम दिया। अलवर खेडली चंद्रावत के हैंडुका का बास में रिफाइंड से नकली दूध बनाने वाले कारखाने पर दबिश देकर 2000 लीटर दूध जब्त कर सैंपल लिए गए और नष्ट कराया गया, जिसका आरोपी मौके से फरार हो गया। चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने बताया कि लगातार नकली दूध बनाने वाले कारखाने की शिकायत मिल रही थी। शादी के दौरान व्यस्त होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन शिकायत को संज्ञान में लेकर आज कार्रवाई की गई। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्राइवेट गाड़ी से आया, गाड़ी को दूध पर छोड़कर पैदल कारखाने तक पहुँचे। देखा कि एक व्यक्ति ग्राइंडर द्वारा रिफाइंड मिलाकर नकली दूध बनाते पाया गया, जिसको संचालित करने से सरस डेयरी के सेक्रेटरी राहुल खान भी शामिल हैं। मौके पर करीब 2000 लीटर दूध जब्त कर सैंपल लिए गए, दूध को नष्ट कराया गया। पिछले कई दिनों से लगातार शिकायत आ रही थी, तो मैं मेरी खुद की शादी में बिजी था, इसलिए मैं पिछले 15-20 दिन से इन कार्रवाइयों पर रोक लग रही थी, कर नहीं पा रहा था। अभी मुझे लगा कि किसी ने सूचना दी, उसको मैं 5100 रुपये भी नाम के दूंगा। खेड़ली चंद्रावत में एक हंडू का बास है, वहाँ पहले भी मैं मेरी पर्सनल गाड़ी से आया और तो मैं पहले भी कार्रवाई नहीं कर पाया। अब मैं एक प्राइवेट गाड़ी से यहाँ आकर, लगभग प्राइवेट गाड़ी गांव से बाहर खड़ी कर वहाँ पैदल आके और कार्रवाई की, तो वहाँ रिफाइंड तेल में एक ग्राइंडर से एक लड़के को हमने घर के अंदर मिलावटी करते पकड़ा गया। लड़का तो भाग गया था और मिलावटी दूध बना रहा था, वो लगभग 2000 लीटर के आसपास दूध था, वो हमने मौके पर नष्ट करवा कर सैंपल ले लिए। आगे हम डेयरी की जो टीम कार्रवाई जो करेगी, इसमें हमारा एक सरस डेयरी का सेक्रेटरी है, वो भी लगभग दोषी है, तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। जुर्माना कितना रहेगा? जुर्माना बढ़िया इलाज करते हैं, चिंता मत करो। क्या नाम है सर सेक्रेटरी? राहुल खान है, वो तो अभी पता लग जाएगा, कोड नंबर लगभग 2504 है। अभी हमारे डेयरी के अधिकारी मेरे साथ हैं, वो जो भी कार्रवाई होगी अच्छी कार्रवाई करेंगे। पीछे भी मैंने बढ़िया कार्रवाई की है, ये भी उससे अच्छी करेंगे। जी